धीरे धीरे क्या होगा, हमारी आदत हमारी धीरे धीरे आदत हो गई कथा सुनने की। अभी मतलब भक्ति करो और उसका क्यों भक्ति है, अरे आप इसी दो लाइन को अगर व्याख्या कर लोगे बस पूरी कथा हो जाएगी। कभी ये दो लाइन को कभी याद कर लो, कुछ करने जरूरत है, कभी ये दो लाइन को याद कर तो वहाँ सब कुछ मैं कह जा बस बैठे। पिछले तीन दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि गुरुदेव ने दो लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। पहले गुरुदेव ने बताया कि इस संसार में कितने जीव हैं, जैसे एक गिलास में देखा जाए कितने सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे जैसे गुरुदेव ने पहले बताया था कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, उसके लिए श्लोक भी आता है जो भी सब संख्या था पार्थिव वह ही जनता वह। जैसे कि हम एक मुट्ठी में एक डस्ट लो मतलब धूली लो, जिस प्रकार से उस धूली की कण को नहीं गिन सकते, उसी प्रकार से धरती पे जितने जीव हैं हम उनको नहीं गिन सकते। तो बताया उनमें से जो बड़ी मुश्किलों से जाके हमें एक सामी मनुष्य जन्म मिलता है, फिर उस मनुष्य जन्म में भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पशुओं के समान है। जैसे अफ्रीका के जंगलों को देख लो, वो लोग कैसे रहते हैं बिल्कुल एकदम जानवरों की तरह। उन्हें ये नहीं पता कि जंगल और जानवरों में डिफरेंस क्या है, नंगे रहते हैं, खाने पीने कोई सभ्यता नहीं है, इस तरीके से रहते हैं। फिर उनमें से कोई विरल पुण्यवान सुकृतिवान जीव कोई आता है जिसको अपनी मानव देह की सभ्यता होती है, जिसको कर्म में विश्वास होता है। फिर उन करोड़ों करोड़ों कर्मियों में कोई एक होता है जिसको जिसकी सुकृति दुर्लभता के उसमें उसको ये होता है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म से ऊपर उठता है वो जाता है फिर ज्ञान की ओर कि भगवान क्या है, भगवत क्या है, भगवत प्रेम क्या है। फिर उन ज्ञानियों में से करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक आता है जो भक्ति करता है। इसीलिए बोला कि ब्रह्मांड भगवते कौन भाग्यवान है, कौन अर्थात फिर यहाँ पे बोले कौन किसको जिसकी करोड़ों जन्मों की सुकृति होगी। फिर सुकृति की डेफिनेशन बोलते हैं तीन चीजें होती है, पाप पुण्य और सुकृति। मतलब पाप क्या होता है, जो वेदों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ना करना वो पाप है। पुण्य जो लिखा हुआ है जैसे हवन दान इत्यादि करना वो पुण्य है, उसको करना उससे पुण्य मिलता है। सुकृति क्या होता है कि भगवान से रिलेटेड गुरु वैष्णव से रिलेटेड कोई कार्य करना उससे सुकृति मिलती है, उसे भक्ति कहते हैं। तो उन करोड़ों जन्मों की चाहते ना चाहते ना हमसे जैसे अनजाने में जो हो गया उनसे जो हमारी करोड़ों जन्मों में जो सुकृति इकट्ठा हुई है उनके द्वारा कौन भगवान भगवी तो कौन भाग्य वाले थे गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति रहता भी। अर्थात जब करोड़ों जन्मों की सुकृति इकट्ठी हो जाती है तब जाके उसे कृष्ण की कृपा से गुरुदेव की प्राप्ति होती है। तो फिर बोले यदि कृष्ण प्रसाद पाए तो वहां बोले कृष्ण प्रसाद का मतलब क्या है कि अब जीव की जब सुकृति इकट्ठी होगी तो उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। बिना सुकृतियों के हमारे हृदय में प्रश्न नहीं होता कि हम कौन है। बाकी सारे जीवों की तरह जितने इंसान है मनुष्य आप संसार में देख लो कितने लोगों की अवेयरनेस आती है कि हाँ भैया हम कौन है। बाकी सब जी रहे पैदा हुए बड़े हुए एजुकेशन ली 25 साल तक शादी बच्चे बुढ़ापा खत्म है लाइफ उनकी ऐसी बीतती है। उनमें से कोई एक विरल होता है करोड़ों जन्मों की सुकृति के बाद किसी के मन में प्रश्न आता है कि भैया वही सब कर रहे हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं शादी कर रहे हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं बूढ़े हो रहे हैं मर जा रहे हैं।
सभी एक अलग, पर हम हैं कौन? अगर मरने के बाद जा पा रहे हैं फिर आते कहाँ से? इसकी करोड़ों करोड़ों में से कोई एक होता है जिसके अंदर ही प्रश्न उठता है, क्योंकि आप लोग खुद देख लो आस पास में कितने सारे लोग हैं, अभी हम हरिनाम संकीर्तन करते हुए कितने लोग हमारे पास हैं गिने चुने, आप यहाँ तो गिन सकते हो कि इतने सारे लोग हैं, बड़ौद में कितने सारे लोग हैं, बल्कि हम पिछले 3 दिनों से कल तक इतना भयंकर तरीके से हम 3 घंटे तक पूरा करके आए, उसके बाद कितने लोग आए यहाँ पे? मेरे ख्याल से कम और हो गए, 5-6 लोग कम और हो गए। तो उनमें से जाती जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि भैया मैं कौन हूँ, जाना कहाँ है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, जिसके मन में ये प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण प्रसाद अर्थात भगवान कृष्ण कृपा करके अपने किसी निजजन को या अपनी जो कृपा मूर्ति है, मतलब जो भगवान की जो कृपा मूर्ति जो एक स्वरूप धारण करती है, तब वो गुरुदेव जो स्वरूप धारण करके वही गुरुदेव फिर जड़ जगत में आते हैं, वो बताते हैं कि हम कौन है, हमें जाना कहा है, हमें कर क्या रहे हैं। इसलिए बोला कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रत्न, फिर बोले भक्ति रत्न बीच क्या है, बोले कृष्ण भगवान की सेवा करना, वो जो भाव है गुरुदेव ने कृष्ण को शब्द में डिस्क्राइब किया था, मैं बोल नहीं पा रही आप मुझे, कृष्ण भगवत सेवा रूपी सेवा वासना, हाँ कृष्ण सेवा भगवत सेवा रूपी जो वासना प्रदान करते हैं, जो सेवा वृत्ति है जो गुरु वर्गो के प्रति या कृष्ण के प्रति जो हम वास्तव में हम क्या है उसको प्रदान करते हैं, भक्ति लता बीज, फिर गुरुदेव फिर आगे उसको डिस्क्राइब कर देते हैं बीज को, बीज क्या है, वो खरपतवार क्या है, फिर उसका जो हम उसको बीज को जो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, फिर वो प्रोटेक्शन क्या है, फिर जल क्या है, इस तरीके से गुरुदेव ने जाते कि आज उस चीज़ को बताएंगे। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था गुरुदेव की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण कृपा से सभी गुरुदेव मिलते हैं, हमारा जो हृदय है वो एक खेती है और उसमें कृष्ण भक्ति रूपी बीज को बो देते हैं, कहते हो भक्ति बीज को बीज क्या है, बोले बीज ये श्रद्धा, ये बीज को श्रद्धा बताया, लेकिन ये बीज श्रद्धा वो किस चीज की श्रद्धा है, श्रद्धा बहुत तरह का है, कोई कर्म का तरफ में जाता है, कोई ज्ञान का तरफ में, कोई योग का तरफ में, सबके सब अलग 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 मार्गों में सबके सब चलते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति लता जो बीज है ना, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, वो अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनाभूतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपमा, कहते भक्ति रूपी बीज को बोलते हैं, वो भक्ति कैसे होनी चाहिए, जिसमें किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं, संसार की कोई अभिलाषा नहीं, जिसको महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश का मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भगवतार भक्ति अहित तुलम, महाप्रभु कहते हैं हमें इसी दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं, धन की जन की पुत्र की परिवार की बीवी की हैं, हमें केवल एक ही चीज चाहिए जन्म जन्मांतर में प्रभु निष्काम भक्ति, अहितु की भक्ति केवल तुम्हारी चरण की हमें सेवा चाहिए, जिसको हनुमान जी कहते हैं बार बार बर माधव हर श्री देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग, हमें साधुओं का संग दो और तुम्हारी चरण की भक्ति दो और तुम्हारी चरण की हमें प्रेम प्रदान करो है, इसलिए वो जो और ज्ञान कर्म से आकृत होनी चाहिए, मतलब भक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए हम भक्ति करके स्वर्ग जाएंगे बक्सों मिलेगा हमें पृथ्वी का राज्य मिल जाए है, ये नहीं, इसलिए कोई कर्म और ज्ञान मतलब एक दिन जाकर के ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाएंगे हैं, इसलिए मुक्ति मिल जाए बोलने ऐसे नहीं, केवल भगवान की सेवा करने का जो वासना ये यही बीज है, अभी गुरुदेव हमारा हृदय में तो बीज को बो दिए, लेकिन केवल बीज बना सब कुछ नहीं है, जैसे गमला में एक तुमने बीज बो दिया लेकिन बीज बना क्या सब कुछ हो गया, बोले नहीं, उसमें टाइम टाइम से पानी देना पड़ेगा, टाइम टाइम से पानी देना पड़ेगा, बोले भैया वो पानी क्या है, बोले श्रवण और कीर्तन जले बनाए सचल, श्रवण और कीर्तन इसको दो को उन्होंने पानी बताया,
हैं कहानी बताए, जैसे गुरु जी से मंत्र दिखा लेंगे क्या घर में बैठ जाने पर काम चलेगा? नहीं, बैठने पर काम नहीं चलेगा। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं इसलिए देखो तिलक लगा रहे हैं, गले में कंठी है, माला जब करते हो बोले क्यों, बोले आप लोग उसमें पानी दे रहे हैं, वो पानी क्या साधु संग, पानी क्या साधु संग ही है पानी, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान की महिमा के बारे में सुन रहे हो, हैं इसलिए श्रवण कर रहे हो, फिर भगवान कीर्तन करते हो, तभी वो उसमें अंकुर आएगा, फिर दो पत्ते आएंगे, फिर उसमें लता आएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर उसमें पानी नहीं दोगे ना जहाँ खत्म खत्म, कुछ दिन बाद में माला छूट जाएगी, कुछ दिन बाद में तिलक छूट जाएगी, कुछ दिन बाद में भजन भजन छूट जाएगी और माला जहाँ के कहाँ लटक रहे हैं, और चूहा उसमें घुसला दे चूहे घुसला कर रहे हो, क्योंकि आप साधु संग नहीं कर रहे हो, मंत्र तो ले लिया उसमें पानी नहीं दोगे तो कब तक वो बीत जाएगा, तो मर जाएगा। हाँ, ये बहुत ही जरूरत है, इसमें पानी देने का बड़ी जरूरत है, इसलिए ये श्रवण कीर्तन रूपी है पानी ये इसमें देनी चाहिए। लेकिन अभी बीज बो दिया, आप देखना बीज जब बो देते हो कभी कभी जब अंकुर आता है ना, जब करते हैं उसमें दो पत्ते आती हैं तो क्या कहता है बेटो, इसलिए जब उसमें पानी देते हैं कभी कभी उसमें अंकुर आ गया है, उसमें फिर पत्ता आएगा लता आएगी, लेकिन कभी कभी देखना बकरी गैया उसको खा ले, बकरी गैया खा ले, इसलिए क्या करना पड़ेगा उसमें बाढ़ लगा, चार तरफ में ये बाढ़ लगा दो। यदि ये बाढ़ क्या है, बोले ये साधु संग, ये साधु संग बाढ़। एक उदाहरण देकर समझा है, जैसे जैसे तुम्हारी घर है, अभी तुमने कहीं बाहर जा रहे हो ना, कहीं बाहर जा रहे हो, लेकिन चारों तरफ में दीवार बड़ा अच्छी दीवार लगी है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो महीना दो महीना के, लेकिन एक व्यक्ति का और एक मकान है, लेकिन वो मकान में इतना दीवार सही नहीं, लेकिन वहाँ पर उसने एक गेट कीपर रखकर चला गया, उसमें गेट कीपर चला कर रख दिया, लेकिन दूसरे मकान में बड़े मजबूत उसमें दीवार है। आप बताओ दोनों मकान में सबसे ज्यादा जो रखिया किसमें हुई, गेट कीपर वाले में, गेट कीपर वाले में नहीं, गेट कीपर वाले में होगी, गेट कीपर वाले में होगी, जितना बड़े तुम्हारे मजबूत दीवार की कोई कोई जगह ताला को तोड़ करके चोरी कर, वो कर ले थी चोरी, लेकिन वहाँ पर जो गेट कीपर बैठा हुआ है भले उसमें कोई दीवार दीवार नहीं, लेकिन वो पूरा सुरक्षित रहेगा, क्यों वहाँ पर चौकीदार बैठा हुआ, ताकि वो चौकीदार बैठा हुआ। उसी तरह अगर कोई बड़ा दीवार मोटा दीवार मतलब होता है, कोई सोचता है साधु संग की कोई जरूरत नहीं, अरे गुरु जी से हरिनाम ले लिया हो गया है, कोई जरूरत नहीं, हम तो भजन कर लेते हैं, कभी भी उसको तोड़ करके ना दीवार को कोई चोर घुस करके सर लिख करके ले सकता है, लेकिन जिसमें चौकीदार बैठा हुआ ना, वो चौकीदार जो बैठा हुआ वो पूरा का पूरा सुरक्षित, क्यों वो दिन रात जगा हुआ है, है? कर इसका मतलब ये साधु संग किया बोले चौकीदार, अगर साधुओं के बीच में अगर हम रहेंगे ना, हमें साधु लोग टोकते रहेंगे कि क्या कर रहे हो, ये गलत रास्ता पर तुम जा रहे हो, ये ठीक नहीं, ये रास्ता को छोड़ो, ये गलत रास्ता पर जा रहे हो तुम, हैं इसलिए साधु क्या करेंगे हमें हर समय रक्षा करेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे बोले जब तक जीव की भजन की तब दो तरह का प्रक्रिया होता है, अब देखना एक जैसे कोई छोटा पौधा लगा दी वहाँ रोज पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं होगा तो सूख जाएगा, लेकिन एक पेड़ लगा दिए लेकिन बढ़ते 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 वो पेड़ अभी बड़ा हो गया, जब अब जो बड़े पेड़ क्या है उसको भी पानी देते हैं, वो अपने आप अंदर से ही पानी को सोख लेता, अपने आप सोख लेती, बोले जब तक ऐसे स्थिति नहीं होना तब तक वैष्णव की आत्मगर्तन रहनी चाहिए, नहीं तो कभी भी हम गलत रास्ता पर चले जाएंगे, हमें कोई रोकने ठोकने वाले कोई नहीं रहेगा। इसलिए एक कोई ब्रह्मचारी था,
मंदिर छोड़ के गोवर्धन चला गया। एक दिन दूरदर्शन मुलाकात हुई, बोले कैसे भजन चल रहा है, बढ़िया हो रहा है, बोले कैसे, बोले रोज रोज गिरिराज जी का हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं। तब गुरु जी ने कहा बताओ ये बेटा समय कितने बजे तू उठते हो, जब इच्छा हो तब उठता हूँ, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। बेटा यही बात है, अगर तुम वैष्णव के अनुगत में रहते ना, हाँ वैष्णव के अनुगत में रहते तो वहाँ पर वैष्णव जन अगर कोई गलत काम करते तो हम उठाएंगे, जगाएंगे, हरिनाम करो है, भक्ति करो, तुमको रोकेंगे रोकेंगे, और जो अकेला हो गया जब इच्छा तो कुछ करो, जो तुम्हारी मन में आए वही काम करो है। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया गद्दा भी घूम सकता है, गिरधर गोवर्धन को ये गद्दा भी घूम सकता है, इसलिए परिक्रमा की इतने महत्व नहीं, महत्व है साधु संघ की, महत्व है अगर साधु संघ में रहेंगे तो हम कोई भी गलत काम करेंगे साधु में रक्षा करेंगे, अकेला स्वतंत्र रूप में रहेंगे तो जो इच्छा तुम वही करते रहोगे, तेरे को रोकने टोकने वाले कोई नहीं रहेगा। इसलिए जब तक हम स्वयं नीचे से पानी को हम स्वयं सोख नहीं लेते तब तक साधु संघ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत साधु संघ की है। इसलिए यहाँ पर बताए अब उसको चार तरफ में बाढ़ लगाओ, बाढ़ की स्थिति की साधु संघ रूपी बाढ़ लगा, जैसे आप लोग आ रहे हो कुछ कथा सुन रहे हो तभी तुम्हारी हरिनाम सही हो रही है, भजन सही हो रही है, लेकिन जो लोग नहीं आते ना मंदिर में देखो उनको जाते गला से माला निकलेंगे तिलक कहीं भेंगे, हरिनाम करते हुए कभी कभी कर लेते क्यों, साधु संघ की अभाव है। इसलिए बीज बो देना बड़ी भारी बात नहीं, उसको घेराव करना ये बहुत बड़ी बात है। कहते कभी कभी बकरी और गैया उसको खा जाते हैं, कहते भैया ये क्या चीज है, ये बकरी गैया कौन है, इसमें बताए वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये वैष्णव अपराध क्या चीज है, तो इतने खतरनाक है जैसे कोई पेड़ पौधा लगा हुआ अगर उसमें एक लत वाला हाथी अगर घुस जाए वो क्या करेगा, सूंड में पकड़ कर ना वो पूरा पूरा जड़ समेत उसको उखाड़ देता है, जड़ समेत उसको उखाड़ देती है। अगर किसी वैष्णव चरण में तुम्हारी अपराध हो गए, इसलिए 10 तरह का नामा अपराध है, 10 तरह का नामा अपराध भी उसमें तो बताया सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा मतलब कभी भी गुरु जी को अपमानना नहीं करनी चाहिए, आज्ञा को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए है, उसमें गुरु अवज्ञा आती है, इससे बुरा भक्ति मत खत्म हो जाती है। लेकिन भक्ति जगत में गुरु सबसे बड़ी बात बताया, लेकिन यहाँ पर पहला नंबर में गुरु अवज्ञा नहीं बताए, वैष्णव अपराध बताए, बोले क्यों बताए, बोले कारण कभी कभी गुरु जी का प्रति तो गौरव को नहीं रहता है, ये हमारे गुरुदेव, लेकिन वैष्णव को प्रतिना नहीं किया जाता ऐसे तैसे, इसलिए जो वैष्णव लोग उनको प्रति इनके अनादर हो जाते हैं, गुरु जी का प्रति तो गौरव होती है लेकिन वैष्णव का प्रति आदर नहीं रह जाती। लेकिन गुरु वैष्णव कोई अलग नहीं, एक ही बात है, गुरु वैष्णव एक ही बात है। इसलिए बोले गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरण तिनेरे स्मरण है विघ्न विनाश, इसलिए तीनों अलग नहीं तीनों एक ही वस्तु है। इसलिए जो वैष्णव अपराध है वो सबसे खतरा बताया, ये वैष्णव अपराध जिसको जिसको मुँह में जो आए और मुँह से तुम बोलते नहीं, कभी भी नहीं बोलनी चाहिए हैं कभी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भले ही भक्ति तुम्हारी ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ी सी हो रही है, ज़्यादा कोई भक्ति लेकिन थोड़ी सी हो रही, लेकिन हर समय ध्यान देखो किसी साधु को जो भक्ति कर रहे हैं, जो नाम का आश्रय करके प्रभु की भजन कर रहे हैं, कभी भी उनको प्रति कोई उल्टा पुलटा बात मुंह से नहीं निकली चाहिए। अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गए तो कहते जो हृदय है ना उस भगवान खुद कहते हैं, कहते अगर मेरे हाथ कभी मेरे संतों का विरुद्ध है तो भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी संतों के विरुद्ध में जाएगा तो मैं अपना हाथ को काट डालूंगा, भगवान बोल रहे हैं। मतलब संत का अपराध में कभी सहन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे श्री चैतन्य भागवत में बताए
सुलो पानी समझ दी वैसने वर बिंदी तबे तार ना सजाए कहे शास्त्र ग्रंथ। मतलब है सुलो पानी मतलब शंकर जी, शंकर जैसे व्यक्ति अगर क्यों नहीं हो, अगर कभी वैष्णव अपराध किया है तब भी उसकी नाश है। शंकर तक कभी करेंगे नहीं वैष्णव अपराध, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर कभी वैष्णव का भक्तों का निंदा चर्चा चुगली करे कहते भैया कहते उसका भी विनाश हो जाता है, हैं? वो भी भक्ति जगत में कभी रह नहीं सकते। हृदय एकदम सूखा हो जाएगा, हृदय हृदय में सरसता नहीं आ जाएगी, हैं? जैसे कोई पेड़ है अगर ऊपर से काट दो आप देखना फिर उगने का चांस है, लेकिन अगर जड़ से बढ़ गया तो कट गया। यदि अपराध ऐसे की चीज है वैष्णव अपराध तो जड़ समेत खत्म हो जाता है, तो जड़ को ही उखाड़ लेती है पूरा, हृदय से श्रद्धा भक्ति हृदय से संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताए हर समय हमारी मुंह से कोई साधु का प्रति कोई जैसे बोली नहीं मिली, ये चीज को हर समय ध्यान रखें। हर समय हमारे मुंह से कोई गलती चीज नहीं, जो भक्ति करते हैं उनके प्रति कोई गलती शब्द जैसे नहीं निकली है। इसलिए देखो इसमें गुरुदेव बहुत सारी बात बताते हैं, आप और हमारी बात को छोड़ दो। श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जब महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, सारे भक्त दरवाजे को बाहर खड़े हुए, लेकिन एक व्यक्ति को महाप्रभु बुला करके प्रेम नहीं दे रहे, किस पर नहीं दे रहे हैं? सब हम लोग पंडित चल रहे हैं, इसलिए अपना माँ को ही वो प्रेम नहीं दे रहे। भक्त लोग ने पूछा प्रभु आप तो सबको प्रेम दे रहे हो, अपना मैया को क्यों नहीं प्रेम दे रहे हो? महाप्रभु बोले वो वैष्णव अपराध किया, वैष्णव अपराध किया। बोले कौन सा वैष्णव चरण में अपराध किया? बोले श्री अद्वैत आचार्य। बोले उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या अपराध किया? बोले महाप्रभु का जो छोटे भाई बड़े भाई थे विश्वगुरु, जब वह सन्यास लेकर के चले गए वो पढ़ते थे अद्वैत आचार्य जी का टोल, इतने में एक बच्चे को हम कितने कष्ट से बड़ा बना दें, लिखाई पढ़ाई करते हैं क्यों? वृद्धावस्था में हमारी मत सेवा करें। लेकिन वो जो सन्यास लग गए केवल उन्होंने इतनी सी बात बता दी, बताओ क्या बताई थी, क्या क्या बोले थे, बोलो क्या बोले थे, जिसको महाप्रभु बड़े क्रोधित होंगे, क्या बोले थे? बोले केवल अद्वैत तारे द्वैत परिमाण, मतलब है बोले उनका नाम अद्वैत, अद्वैत मतलब होता है आ मतलब नहीं, दो मतलब दो, जो दो नहीं एक है, बोले सबको जो ले करके चले सबके एक कर देते, लेकिन ये तो मेरे बच्चे को जो द्वैत ये तो हमारे संसार से अलग कर दिया, ऐसे पढ़ाया लिखाया उसको ऐसे सिखाया जो कि घर वाले छोड़कर साधु बन गया। केवल उन्होंने इतनी सी बात, ज्यादा कोई बात नहीं, इतनी सी बात बताई, अगर तुम्हारी बेटा सन्यासी हो जाए तो उसे कोई अगर निकल गया कि कोई अपराध कर गया, लेकिन तब भी महाप्रभु को माफ नहीं किया है, माफ नहीं किया। फिर श्री सच्ची माँ को जब ये बात पता चला बोले अगर हमें भगवत प्रेम जीवन में नहीं मिला पर ये प्राण रख कर क्या लाभ, इसलिए उन्होंने अद्वैत आचार्य के पास में गई और उन्होंने अद्वैत आचार्य को जब ये बात पता चला, अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु का प्रेम में नाचते नाचते गिर गए। बोले सच्ची माँ माँ जसोदा सा क्या है, ये हम तो बेटे हैं, ये तो हमारी माँ है, माँ कभी बेटे के चरण में फिर अपराध कर सकते हैं? जब बेहोश हो गए कीर्तन करते करते अरे सच्ची माँ ने मेरे ऊपर चरण पकड़ के माफी मांगी। यहाँ सिखा देते हैं अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए तो माफी मांग लो, माफी मांग लो। सख्यात जहाँ सच्ची माँ, क्योंकि हमारा अभिमान हो जाता ना, अरे हमने क्या बोलिया, हमने कुछ नहीं बोला, नहीं, सच्ची माँ जैसे व्यक्ति भगवान की जो माँ भी जा करके माफी मांगते हैं, तो किसको चरण में अद्वैत चरण, अद्वैत के चरण में बेटे के चरण में माँ माफी मांग रही, इसलिए हर समय हमें माफी मांग लेनी चाहिए। इसलिए देखना जब हमारी कीर्तन सब खत्म हो जाता है हम लोग प्रणाम करते हैं ना, क्या प्रणाम करते हैं,
वैष्णव चरण में हम प्रणाम करते हैं। अगर किसी वैष्णव का चरण अपराध हो गया तो आप सबके सब हमारे अपराध को माफ करो, हम सबके सब माफी मांगते हैं। इसलिए ये एक वैष्णव अपराध, दूसरे अपराध है कि जब श्रीदास पंडित को चाय लाए थे रात भर कीर्तन करते थे, रात नगर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी रात भर भजन करते लेकिन हर तरह का लोग होते हैं, कुछ पाठ करने के लिए हैं, ये हरि कीर्तन सुनकर जिनको आनंद नहीं होता था, बोले क्या रात भर चिल्लाते रहते हो, कोई काम धंधा कुछ है ही नहीं, और जब देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर तरह का लोग होते हैं ना, हैं हर तरह के लोग होते हैं। अभी एक वैसे खिली उड़ाया करता था, एक गोपाल चांपाल था, हैं उसने देखा इसको बदनाम कराते हैं और वो हरि कीर्तन करता है, कुछ लोग उनको पूजा भी करते हैं, कुछ लोग उनको मान भी इज्जत भी देते हैं। जब इसको इज्जत दो ना, अगर आप द्वेष करते हो, आप क्या चाहते हो, सबके सामने इसको नीचा दिखाते हैं। बोले नीचा कैसे दिखाएंगे, बोले एक काम करो, रात जब भजन करते थे रात में उनको घर को सामने आकर शराब का बोतल रख दिया, मांस रख लिया और एक तरह का फूल होता है जवाब हो, जिस फूल से देवियों की पूजा होती है, हैं और उनको पूजा की सामग्री ला कर उनको घर सामने रख दिया। रख कर भी जब सवेर हुआ उसने हल्ला मचा दिया गांव में, देखो देखो साधु बनते ही, देखो रात को क्या कर रहे थे, शराब पी रहे थे, अभी मांस खा रहे थे और ये देवी पूजा करके ये लोग क्या करते हैं, रात को मंत्र को द्वारा स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाती और उनका साथ में रात को भोग करते हैं और ढोंगबाजी बनाते हैं, हरे कृष्ण हरिनाम कर रहे, बदनाम करा दिया, जब बदनाम करा दिया, लेकिन वो तो भक्त है, लेकिन भक्तों का अंदर में बड़ा सहन शक्ति होता है, ऐसे नहीं कुछ बोल दिया तो मचल जाए, हैं एकदम दिमाग गर्म करके मारपीट करना शुरू कर दे, नहीं वैष्णव कभी ये काम नहीं करते। बोले क्यों, अगर तुम्हारे सच दीन से तुम भजन कर रहे हो, अगर तुम्हारी भगवान के प्रति विश्वास है, हम शुद्ध रूप में भक्ति कर रहे हैं, दुनिया कुछ बोलने पर तुम्हारी क्या हो जाएगी, बिना जब भजन की सारा दुनिया क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहे, लेकिन बिना ने कुछ विरोध किया है किसी, हरिदास ठाकुर को 22 भजन में पिटाई कर दी, हरिदास ठाकुर ने कुछ विरोध किया है, कभी विरोध नहीं किया, क्यों, उसको पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति और अपना भजन का प्रति उसको पूर्ण विश्वास है। हम शुद्ध रूप में भक्ति कर रहे हैं, राखे हरि तुम्हारे के जिसको राखे साइना मार सके ना कोई, बाल ना बलता कर सके जो जग भैर कोई, ये चीज को हमें विश्वास रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात में बचल जाए, क्रोध आ जाए, मारपीट करना नहीं, ये भक्तों का लक्षण नहीं, वो पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति, हम तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं शुद्ध रूप में, भले दुनिया क्या जाए, कितना व्यय तो रह गई तेरी दुनिया क्या जाए। अभी उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन भले ही कुछ नहीं बोले लेकिन भक्त तो अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते उसको, ठाकुर जी नहीं छोड़ते हैं भगवान, हैं इतने में ही उसको शरीर में कूड़ हो गया, गले में नाक में हाथ में कुष्ठ व्याधि हो गया और एक का अंगुल गिरने लग गया, नाक गल करके निकलने लग गया, गले में कीड़े पड़ गए, अभी इतनी असह्य असह्य, कहते हैं सबसे जो बड़ा बीमारी है ना ये कुष्ठ रोग, क्योंकि हर रोग का कुछ परे, लेकिन ये जिसकी रोग हो जाए ना वो सही होना बड़ा कठिन है, तभी ये रोग तभी होता है जब किसी वैष्णव चरण में अपराध होता है, तभी ये होता है, यहाँ सबसे कठिन व्याधि ये है। अभी उसको कीड़े पड़ गए, इतने कष्ट हो रहा है, इतने कष्ट हो रहा है, उसने देखा मैंने संतों के चरण में अपराध किया, इसलिए मेरे को ये दंड भुगतना पड़ता है,
उसने महाप्रभु के पास माफी मांगी। महाप्रभु बोले देखो अगर कांटा प्यार में चुभ जाए ना वो सर में नहीं निकलता प्यार से ही निकलता है, इसलिए तुमने अपराध मेरे चरण में नहीं सिपाही पंडित के चरण में तुमने अपराध किया, वहीं पर उठाकर में माफी मांगो। फिर जाकर उन्होंने उनके चरण में उन्होंने माफी मांगी। माफी जब मांगी जाकर के फिर सही हुआ भगवान के पास है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं देखो भक्ति भले ही ज्यादा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं थोड़ी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कभी भी वैष्णव का निंदा मत करो, साधु संत की निंदा मत किया करो, इसी विषय में बड़ी हमें सावधान रहनी चाहिए। क्योंकि यही उपाय जिसको बाहर देख करके रखनी चाहिए। अगर कोई जैसे देखना पेड़ लगाते हो कभी घर में आप देखना जब कोई पेड़ लगाओ ना कभी कभी देखना उसको आस पास में जो दूसरा पेड़ कुछ निकल आती है दूसरा पेड़ कभी कभी निकल आती है, लेकिन जो किसान है ना जो लोग खेती करते धान की विशेष करके जो धान की खेती करते हैं उसमें एक श्यामा पेड़ होता है वो धान का पेड़ भेज सकते हैं, लेकिन वो धान का वृक्ष नहीं है, तो धान का वृक्ष नहीं कहते वो क्या है कहते वो देखने धान वृक्ष से भी सुंदर लगता है, लेकिन किसान को इसका पहचान है ये असली पेड़ कौन और नकली पेड़ कौन, लेकिन लगता है कि असली पेड़ से सुंदर है लेकिन उसको पता है फिर वो पेड़ को उखाड़ देता है। अगर नहीं उखाड़ेगा ना कहते जो मेन जो धान का वृक्ष को वो ढक देता है फिर वही वृक्ष हो जाएगी असली धान का वृक्ष को ढक जाएगा और सारे जो मेन वृक्ष को जो मिलनी चाहिए खाद्य उसको नहीं मिलता है, उसको लेकर के पास मेन वृक्ष को ढक देता है। कहते उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कुछ आगाछ आ जाते हैं दूसरे वृक्ष आ जाते हैं कहते वो क्या चीज है कहते लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाती है। थोड़ी सी अगर प्रभु का भजन भक्ति करना शुरू कर दो ना सारा दुनिया तुम्हारे जय जयकार भैया उनको भक्ति देखो कितने हरिनाम करते हैं कितने भजन कर रहे हैं दिन रात ठाकुर का सेवा करते हैं ठाकुर जी का नाम लेते हैं कभी कभी ये पूजा प्रतिष्ठा आ जाती है, लेकिन कहते भैया ये सब चीज आने पर भी उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ मतलब उसमें डूब मत जाओ, भक्ति करने पर ये सब चीजें आएगी है। इसलिए भक्ति में जब शुरुआत करते हो भक्ति तब उसमें तीन एक साधन एक भाव और एक प्रेम है। साधन अवस्था में उसका दो लक्षण दिखता है क्या क्या दो चीजें क्या क्या दो चीजें साधन अवस्था में दो चीज क्या है कहते उसमें दो चीज जो आती है कहते हैं उसमें जगत में तुम्हारी बड़ी इज्जत होने लग जाएगी जगत में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होने लग जाएगी और जीवन का जितने दुख है क्लेशग्नि और सुभदा क्लेशग्नि मतलब है जितने दुख दूर हो जाएगी सुभदा मतलब है सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होने लग जाएगी जय जयकार होने लग जाएगी अपने आप सारा दुनिया बताओ हनुमान जी ने अपना नाम को प्रचार किया है मीरा ने अपना नाम को गाए हैं सूरदास ने अपना नाम को गाए हैं कोई नहीं गाए लेकिन देखो सारा दुनिया सारा दुनिया की जय जय ये भक्ति करोगे ना अपनी आप कहीं कमल फूल खिलेगा ना उसकी खुशबू निकलेगा ही वो खुशबू निकलेगा ही कहीं भी खिले कीचड़ में भले ही खिल जाए लेकिन उसका खुशबू उसका सुंदरता निकलेगा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिन्हें कभी कभी भक्ति करोगे तो ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये बहुत आएगा लेकिन इसमें डूब मत जाओ उसमें डूबना नहीं उससे निकलना पड़ेगा। अगर उसमें डूब जाओगे ना जो मेन जो वृक्ष है उसको तो ढक देगा ढक करके सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार पूजा होने लग जाएगा फिर तुम अपना भजन भजन का चूल्हे में छोड़ दिए है इसमें चूल्हे में छोड़ दिए जैसे कथा करो भक्ति करो पैसा भी बहुत आएगा अगर उसी पैसा में अगर तुमने डूब गया तो फिर गया तुम्हारी भक्ति भक्ति चली जाएगी। इसलिए कहती ये सब चीज से हमें जब दूर रहेंगे फिर भक्ति लता है ना फिर तो धीरे 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 आगे धीरे धीरे बढ़ेगी फिर तो भगवान के चरण में जाएगी नहीं तो वहीं पर वो जो मूल वृक्ष वहीं पर बंद हो जाएगी भजन मतलब जो शुद्ध भक्ति उन पर बंद हो जाएगी और दूसरे तरफ में तुम्हारी चले जाओ तो कोई भजन नहीं करता ठीक है फिर उसको आगे
वो लता कैसे कैसे बढ़ती हैं और वो लता कहाँ 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 वो लता जाती हैं, कल हम फिर सुनेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे बोला कृष्ण हरे 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 राम हरे राम Thank you.